देखिए अभी भी उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा लचर पॉइंट बनाए थे इन चुनावों के कि कोई व्यक्ति भी न्यायपालिका चला जाए। हम न्यायपालिका गए थे पिछड़े वर्ग के साथियों के आरक्षण के लिए। पिछड़े वर्ग के साथियों को सही मात्रा में आरक्षण नहीं मिल रहा था, हम इसलिए गए थे। हमने तो कहा कि आप कानून बनाइए ना, जिस तरह नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 10% आरक्षण, मुख्यमंत्री है 2018 में लफाजी के कारण, झूठी घोषणाओं के कारण मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में इस चेहरे को नकार दिया था। अब यही ढोंग धतूरे वाला नौटंकी करता कहीं चाय बनाने बैठ जाएगा, कहीं बच्चों के लिए खिलौना मांगने, अरे एक दिन ठेला लेके निकल यार, बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगने तो निकल, क्या यही विकास है? क्या खजाना इतना खाली है, करोड़ दो करोड़ के खिलौने नहीं आ सकते? ये पाखंड फैला के मनोवैज्ञानिक दबाव लोगों पर डालना चाहते, लेकिन प्रदेश की जनता अब समझ गई।